आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो सभी के घरों में उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर। इसको अनबॉक्स करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आपको यूज करना है और इसके फायदे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। इसका बॉक्स है, चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसको निकाल देते हैं, इसका बॉक्स भी काफी अच्छा है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको रखते हैं साइड में, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और इसका पाउच है इसको कैरी करने के लिए कि ये ठीक तरह से रखा रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसका बैच, ये भी इसको साइड में रखते हैं। और ये है मैनुअल, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है किस तरह से यूज करना है, लेकिन इसको देख के तो कोई यूज करता नहीं है वैसे भी। इसको भी साइड में रख देते हैं। ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, ये पूरा लेदर का बना हुआ है। इसको यूज करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, आप इसको इस तरह से कैरी करके आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं इसको। इसका स्विच है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये पीछे देखते हैं इसको, यहाँ पर इसको बैटरी ला के इसको यूज करते हैं, बताते हैं आपको बैटरी डाल के। ये देखिए, ये इस तरह से अपन ने इसको बैटरी को लगा दिए, ये इसको अपन ने लगा दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं इसको, ये देखिए ये चालू हो गया है। और ये देखिए, ये हार्ट रेट बताने लगा है और SpO2। मैं आपको बताऊंगा SpO2 किसे कहते हैं और हार्ट रेट किसे कहते हैं। ये पल्स रेट है और ये SpO2। पहले पल्स रेट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे एक्चुअल 72 हार्ट रेट होती है, लेकिन ये 70, 80, 90 और 100 तक भी बढ़ती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चलने फिरने में भी बढ़ जाती है, और वैसे भी कोई टेंशन वेंशन होती है या घबराहट होती है तो ये हार्ट रेट बढ़ जाती है। और ये हार्ट रेट अगर 100 से ऊपर जाती है, 110 जाती है, 120, 130, 140 पर पहुंच जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा है ना घबराहट होने लगती है। इसी के कारण जो हार्ट रेट जो धक धक धक, अगर आपकी हार्ट रेट चल रही है तो ये नॉर्मल ही है। अगर ऐसे चल रही धक 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 धक, तो ये हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई है। चलिए अभी ये SpO2 के बारे में बात कर लेते हैं। SpO2 बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। क्योंकि होता है SpO2, वैसे तो ये 99 होता ही है, लास्ट इसका 99 ही होता है, लेकिन ये है ना 90 तक या 95 या 94 या 97 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी अगर कम हो जाती होने लगती है तो अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, मतलब अपन को है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ कहीं ऐसी ऊंची जगहों पे जाते हैं, पहाड़ी माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो ये हमारा जो SpO2 है ना वो कम बताने लगेगा, जैसे 80 बताने लगेगा, 78 बताने लगेगा। मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगी, ये बताने लगता है। बैटरी बताता है कि इसकी बैटरी वीक तो नहीं हो गई है, ये इसका किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं। ये देखिए आप किसी भी एंगल से इसको यूज कर सकते हैं। इसका पल्स रेट ग्राफ है ये, और इसका पल्स रेट वेव फॉर्म है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप किसी तरह की जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, तो आपको इस तरह से आपकी हार्ट रेट और पल्स रेट आप देख सकते हैं कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बढ़ती तो नहीं है आपकी, या दौड़ने में ज़्यादा बढ़ रही है या फिर एक्सरसाइज करने में ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो आप इस तरह से आप क्लिनिक पर घर पर इसको यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया किसी भी तरह का, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालकर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।